क्या बना रही हो? हे गाइस, वेलकम बैक टू चंदा दी रसोई बैंगलोर किचन में आपका स्वागत है। तो आज हमारे किचन में बन रही है चिकन टिक्का बटर चिकन। तो इसके लिए मैं 600 ग्राम देखिए चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर दी और इसमें आधा कप दही डाल के पहले मैरिनेट होने दे देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, मिर्ची पाउडर सारे को डाल के मैं 10 मिनट मैरिनेट होने देती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनानी है। हमारा मैरिनेट हो रहा है, नेक्स्ट मैं कड़ी की तैयारी करती हूँ। तो सारे अच्छा गरम मसाला डाल दी हूँ और एक प्याज, फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, काजू और दो टमाटर सारे को डाल के मैं इसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसे कवर करके पकने देती हूँ। तो आज हमारे किचन में बन रही है ब्रेडलेस स्पेशल चिकन टिक्का बटर मसाला। तो देखिए गाइस, आज फिर हमारे हस्बैंड फ्री थे, पाली पढ़ रहा था, तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो, फिर बहुत सारे वीडियो है बटर चिकन के, थोड़ा थोड़ा मैं बोली रेसिपी में चेंजेस ला के बना देती हूँ। चम्मच में बटर डाल के ये मेरीनेट जो चिकन है इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई कर देती हूँ। तो ये आज हमारा मिनी ब्लॉग है फ्रेंड, मिनी ब्लॉग लेके मैं आई हूँ वेडनेस डे स्पेशल। मैं गाना भी गाती हूँ ब्लॉग होता है तो, सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा, गजरे की खुशबू से महके है घर मेरा। बहुत सुंदर गाना है, आज भी ये गाना सुनने में बहुत मजा आता है फ्रेंड। तो देखिए हमारा बटर गर्म हो गया है, ज्यादा बटर को गर्म नहीं करना है और इसे आप डाल दे। मैं फ्लिप कर दे रही हूँ, फिर से आजकल मेरे जुबान पे यही गाना ज्यादा रहता है। तो देखिए सारे को मैं फ्लिप कर दे रही हूँ अपने चिकन के टिक्के को। ये देखिए सारा भून गया है, थोड़ा सा मैं इसे दूसरे साइड से भी 5 मिनट चलो फ्राई कर देती हूँ। कड़ी तैयार कर रही हूँ तो बटर डाली हूँ एकदम भर के, 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा रिफाइन। आप बटर जब भी डालें तो थोड़ी रिफाइन डाल दें, आपका बटर जलता नहीं है उससे। तो देखिए मैं डाल दी हूँ, मिर्चा पाउडर, कश्मीरी मिर्च और इसे थोड़ा सा आज टमाटर काजू पेस्ट को डाल देती हूँ। नमक, मैं पहले भी डाली हूँ, मैरिनेट करने वक्त भी डाली थी, तो आप देख के डालेंगे। और ये सारे चिकन के मैरिनेशन वाले मसाले को मैं डाल दूँ और भूनती हूँ। इसमें आधा कप दूध डालती हूँ, चम्मच में इसमें टमाटो चिल्ली सॉस डालती हूँ, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बात जुदाई वाली, मैं चुप तू चुप, ऐसा है घर आज परदेसी, कितनी बड़ी। तो गाइस मैं गाना भी सुना दी आपको, दो दो लाइन जितना आता है उतना गा देती हूँ। थोड़ा सा इसे और भून देती हूँ, अभी तेल सरफेस पे आया नहीं है। करने लगी होशियारिया, कहीं कर दो ना मेरे लिए उस पानिया। तो गैर ये देखिए गाना गाते गाते मसाला भून गया है, अब मैं इसमें अपने चिकन को डाल देती हूँ, चिकन टिक्का इसमें डाल देती हूँ। मसाले जो थे हमारे जार में सारे को मैं इसमें डाल दी, सारा तेल सरफेस पे आ गया है, अब मैं इसमें गर्म पानी केटल वाला डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा अच्छा से मैं पानी डाली हूँ,
वैसे बटर चिकन में ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं है। और नेक्स्ट में इसमें इलायची पाउडर डाल दी हूँ, अपनी इलायची पाउडर ज़रूर डालते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें हाफ टी स्पून शुगर भी डाली हूँ और श्रद्धा अनुसार बटर, बटर चिकन है तो बटर तो जाना पड़ता है, बटर डाल दी हूँ, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और नेक्स्ट मैं इसमें कसूरी मेथी डाल के कवर करके 15 मिनट पकने छोड़ देती हूँ। हो गया क्या? हाँ, तो गाइस ये देखिए, वाओ देखिए कितना मस्त बना, इसकी ग्रेवी देखिए, बटर चिकन कितना मस्त बना। अब मैं इसे डिसेट कर देती हूँ। लुक एट दिस गाइस, तो देखिए हमारा बटर चिकन बटरी बटरी बन के तैयार, और इसकी आप ग्रेवी देख लीजिए कितना फैंटास्टिक लग रहा है देखते हुए, और खाने इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसमें बटर भी डाली हूँ, बट मेरे पास आज क्रीम अवेलेबल नहीं था तो बिना क्रीम का ही बना दी। कभी कभी बिना क्रीम का भी बहुत अच्छा बटर चिकन बनता है। तो अगर आपको हमारी आज की बटर चिकन की रेसिपी अच्छी लगी है, जो कि ब्लॉग था, एक मिनी ब्लॉग था आज हमारा, और ये वेडनेसडे स्पेशल ब्लॉग लेके मैं आई थी, तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।